राजधानी भोपाल में एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस ड्राइव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस खास कार्यक्रम में कई नामी स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स शामिल हुए, जिन्होंने युवाओं को एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के टिप्स दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल के सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स की टीम ने एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस ड्राइव का आयोजन किया। युवाओं को मोटिवेट करने के उद्देश्य से आयोजित हुए इस कॉन्फ्रेंस में देश के नामी एंटरप्रेन्योर सहित कई जाने माने प्रोफेसर और स्टूडेंट्स मौजूद रहे। इस अवेयरनेस ड्राइव में हस्तियों ने अपने अपने अनुभव साझा करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप की कई सफल कहानियां भी साझा की। नो यू कांट डू इट, योर फ्रेंड्स, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर पेरेंट्स विल से यू कांट डू इट, योर टीचर्स, योर प्रोफेसर्स, दे विल से यू कांट डू इट, सोसाइटी, वर्ल्ड विल से यू कांट डू इट। दीस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेरी रेयर। I got that opportunity today, but everyone was saying that I can't do it. I thought, no, let me try. And the only reason I did this because I didn't want to waste that opportunity. After a few days when I made a video on this, I still remember Vignesh responding to on that video and saying that yes, when I came back to Bangalore, I had a fracture. With that fracture, he decided to run, ladies and gentlemen, boys and girls. It's your life. If you fail, absolutely okay. But if you give up, it's not okay. I'm ready to fail in my life. I'm ready to do beyond something which is beyond my capacity. But I'm not ready to give up in my life. This is the same lesson which I give to my child. Because what I believe, the only responsibility I have as a father is to share some stories with him and tell him that you are not going to visit this planet again. Do something which is beyond your capacity. And the only reason I come on the stage again and again, the only reason I decided to become a storyteller, because I want to give the same message to you. You're not going to visit this earth again. छात्रों को लेके मोटिव मेरा हरदम एक ही रहता है। जहां पे भी मैं गया हूँ एक ही मोटिव है। एक तो छात्रों को बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कॉलेज के बाद में जब वो जाएंगे तो वहाँ माहौल कैसा है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जो बुरा कर रहे हैं वो क्यों बुरा कर रहे हैं। यहाँ बैठ के वो नॉलेज नहीं मिलता है। तो जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसे इवेंट्स में जाना, ताकि जो मेरा 17 से 18 साल का एक्सपीरियंस है, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने लोगों से भी सीखा है, मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आके छात्रों को बताना। जिसमें सबसे प्रमुख ये है कि बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो डरते हैं कुछ नया करने से। वो डरते हैं कि अगर मैं कुछ नया करूँगा, कुछ अलग करूँगा, तो मैं फेल हो जाऊँगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। अगर वो डर उनसे नहीं निकला तो बहुत सारे छात्र उस डर के कारण वैसी लाइफ जिएंगे जैसे लाखों लोग जी रहे हैं, जो उस लाइफ को का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, नई चीज़ें नहीं कर पा रहे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को, छात्रों को ये बताना कि जॉब तो करो, सिंपल चीज़ें तो करो, लेकिन डरो मत, नए नए एक्सपेरिमेंट भी करो, नई नई चीजें भी करो लाइफ के अंदर। ये मैंने अपने छात्रों को बताया आज। वहीं सागर इंस्टीट्यूट ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साक्षी अग्रवाल ने भी युवाओं को मोटिवेट किया। The moral of the story is don't be chicken man. जो स्थिति आए, जो चैलेंज आए, उसको अच्छे से फेस करके फ्यूचर में डोंट बी स्टक इन दैट सिचुएशन। You are all in your full college life right now. You will have great challenges ahead. Life will not be a very smooth ride. We all know that. It is part of life. But agar hum ek hi cheez mein stuck ho jaye, to hamari jo growth potential hai, that somehow reduces. So I would request everyone, because you are the future, that don't be stuck in your own thoughts. Don't be stuck
of what happened with you sometime in the past. Get over it. बहुत सारी चीजें होंगी जिसने आपको बहुत दुख दिया होगा probably. Don't be stuck. Believe in yourself that you can and will move forward. कोई इंसान कितना भी मना कर दे आप नहीं कर सकते. Don't listen to them. आगे बढ़ो. And third point of today. इस कार्यक्रम के द्वारा कई वक्ताओं ने अपने अपने सेशन में युवाओं को मोटिवेट किया, वहीं युवा भी काफी उत्साहित नजर आए। साथ ही सागर इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साक्षी अग्रवाल ने कार्यक्रम की सफलता का श्रेय अपनी टीम को दिया। आज हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल हमारे SIRT कॉलेज भोपाल में बहुत खूब और बहुत अच्छे से बच्चों को एक नई दिशा उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमने आज IIT खड़गपुर से एक टाई अप करते हुए ये प्रोग्राम हमारे इंस्टीट्यूट में कराया है, जहाँ पे सारे बच्चों को ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स के ओनर्स से मिलवाया जा रहा है, जो उनको सिखाएं कि आपको एक स्टार्टअप चालू करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस उन्होंने जो फेस करे, हाउ डिड दे ओवरकम इट। तो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल लर्निंग दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड दी स्टूडेंट्स ऑफ SIRT सो दैट दे कैन इम्प्रूव इन देयर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, क्योंकि मुझे बहुत लगता है कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा क्षमता है। जब मैं यहाँ पर शुरू में आई थी, मेरे पास यहाँ के बच्चे खुद आते थे, मैम प्लीज़ टेल अस कि मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊँ, क्या करूँ मैं। तो मैंने देखा कि यहाँ के बच्चों में इतना जुनून है कि अगर उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाए तो भोपाल का नाम पूरे देश में रोशन हो सकता है बाय द स्टूडेंट्स एंड बाय द पीपल ऑफ भोपाल। तो मेरा नाम टैनिसन मैथ्यूज़ है, मैं द ऑप्टिमिस्ट सिटीज़न अखबार से हूँ, ये देश का पहला पॉजिटिव न्यूज़पेपर है। एंड मेरा सेशन इस बारे में है कि पॉजिटिव न्यूज़, अच्छी खबरें, जो दुनिया में जितनी अच्छी खबरें हो रही हैं, ये दुनिया में कितनी बदलाव ला सकते हैं, कितना परिवर्तन ला सकते हैं। हम अक्सर अखबार पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या खराब हो रहा है, करप्शन हो रहा है, स्कैंडल्स हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, पर ऐसा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें खबर ही नहीं मिलती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो दुनिया में बहुत सारी अच्छी खबरें हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाए, क्योंकि जो जनता है, जो हमारी यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उनमें एनर्जी बहुत है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, पर उन्हें शायद यही नहीं पता चलता कि अच्छी खबरें हैं कहाँ, अच्छे लोग हैं कौन। जब उन्हें ये सब पता चल जाए तो शायद वो उन लोगों से जुड़ पाए और इस इम्पैक्ट को बढ़ा सके, ये हमारा उद्देश्य है। और ये ज़रूरी है कि हम जानते हैं कि हमें सारी खबरें मिलना ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि और अच्छे अच्छे काम कहाँ हो रहे हैं, ताकि हमें उन्हें बढ़ा सके, उन्हें बढ़ावा दे सके, यही हमारा उद्देश्य है। और हम लोग मैमो प्रोसेसिंग मशीन सप्लायर है, ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा रेपुटेशन है, एंड वी वर्क विद लॉट्स ऑफ कस्टमर्स। देखिए मोटो जो है IIT खड़गपुर के एंटरप्रेन्योरशिप सेल ने इन्वाइट किया है SSP का, और मोटिव एक ही है, बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ प्रोत्साहन देना, उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करना, अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप करियर के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे क्या लेसन हमने ड्रॉ किए हैं उसको शेयर करना, और उनके लिए क्या एडवाइस है आगे वो उनके साथ शेयर। कुल मिलाकर IIT खड़गपुर की टीम द्वारा आयोजित किए गए इस आयोजन को इंदौर, चंडीगढ़, चेन्नई सहित कई जगह पर आयोजित किया जा चुका है और कई नए युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए खूब मोटिवेट भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।